पाठ एक, भाषा, लिपि और व्याकरण। दादाजी, भाषा क्या होती है? अविका, तुमने अपना सवाल कैसे पूछा? बोलकर। और मैंने कैसे समझा? सुनकर। बस यही तो भाषा है, बोलकर व सुनकर अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाना मौखिक भाषा, और लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना लिखित भाषा है। अरे वाह दादाजी, आपने तो मुझे आसानी से समझा दिया, धन्यवाद। भाषा, अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ भाषा के माध्यम से किया जाता है। भाषा के भेद, भाषा के दो भेद होते हैं। मौखिक भाषा, अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरों तक पहुंचाना मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा, अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा, अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना सांकेतिक भाषा होती है। मातृभाषा, वह भाषा जो व्यक्ति सबसे पहले अपने घर परिवार से सीखता है। राजभाषा, 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लिपि, भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने के माध्यम को लिपि कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और समझने में सहायक होता है। व्याकरण के भाग, व्याकरण के चार भाग हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार, रूप या पद विचार। मानक भाषा, भाषा का शुद्ध रूप जो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, टेलीविजन, रेडियो आदि पर प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली हिंदी की मानक भाषा है।